दोस्तों पंकज दवानिया, आज आपको इस अल्टरनेटर में बताऊंगा, ये करंट नहीं निकालता है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करने हैं, ये डायोड हैं, आप देख सकते हैं ये डायोड हैं, चार डायोड लगे रहते हैं ऊपर की साइड। आपको इसमें चेक करना है कि ये चार डायोड में से कौन सा ख़राब है। आप पे कोई मीटर हो या कोई बत्ती आती है 20 रुपये की, मैंने उस पर वीडियो बना रखी, वो देख सकते हैं, उससे चेक कर सकते हो। वो भी नहीं है तो आप ये चारों डायोड नहीं बदल सकते हो। पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये चिन्ह है जो मैं निशान लगा देता हूँ, जो चिन्ह है इन चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी चिन्ह पे ये एक तरफ वाइट और एक तरफ ब्लैक होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरफ से ये आपका लगा होना चाहिए, उसी तरीके से लगाएं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको डायोड लगा के चेक करने हैं। और ये देखें, एक तरफ मोटे होंगे तार और एक तरफ पतले, ये देखें पतले तार लग रहे हैं आमने सामने, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, आमने सामने प्लस माइनस जो होंगे पतले होंगे, और जो दूसरी तरफ होंगे ये मोटे तार होंगे। मेन तार जो निकलेंगे वो मोटे तारों में से बाहर आता है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आप ये समझ गए होंगे। और जो ऊपर से आपको नहीं, आपने नहीं बदल दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर की स्लिपलिंग है, कार्बन कैंची है। कार्बन कैंची में आप तार लगा के देख सकते हो, मीटर के या कोई आप मीटर तो आपको लेना पड़ेगा, बिना मीटर के नहीं होगा। और या तो आप कोई छोटा बल्ब ले लें, एलईडी बल्ब, तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे तो ये बल्ब जलेगा। और ये यहाँ स्लिपलिंग होती है, इसे स्लिपलिंग कहते हैं। जब यहाँ पे करंट आएगा तो हमारा आगे पास करेगा, और जो हमारा यहीं करंट नहीं आएगा तो हमारी आर्मेचर में दिक्कत है। आप आर्मेचर पहले चेक करें उसके बाद ही, और इसको अल्टरनेटर को चेक करने के लिए आपको मिस्त्री का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जो आप कर सकते हो। जब आर्मेचर का करंट निकल रहा है फिर हमें बाकी देखना है, कार्बन कैंची के कार्बन देखने हैं, कार्बन कैंची सही है। उसके बाद आप ये देखें, ये हमारे डायोड प्लेट है नीचे, जब ये इसमें से कोई डायोड उड़ा होगा तो भी ऐसी दिक्कत आती है कि वो करंट नहीं देता है और हमारा जनरेटर चलता नहीं है। कई बार हमने वीडियो में आपको बताया है, जब आपस में शॉर्ट करते हैं दोनों तार तो हल्की हल्की चिंगारी देता है, तो वो हमारे ऊपर वाले डायोड जब उड़ जाते हैं तो हल्की हल्की चिंगारी देगा, और जब बार बार मिलाते रहेंगे तो ज़ोरदार भड़ाका मारेगा, तो नीचे के डायोड सही हैं हमारे, ऊपर के ही ख़राब हैं। तो वो वही करें जिसे ज्ञान है उस बारे में, ठीक है, बाकी ना करें, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। और ये डायोड जब सही हैं तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, और आपको लगता है कि आपको कंफर्म नहीं है सही है, तो आपको मल्टीमीटर से या बत्ती से चेक करना पड़ेगा डायोड के बारे में, ये सही है क्या, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये हमारा ये सही है और बाकी ऊपर के डायोड समझ में नहीं आ रहे, तो आपको बारीक और मोटी फील्ड चेक करनी पड़ेगी मीटर में, आपस में तो नहीं बोल ली, और दोनों कंटिन्यूटी सही बोलनी चाहिए जब भी आपका जनरेटर करंट निकालेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करना है। अब ये देखें, इसके नीला और ये लाल तार हैं, अब ये देखें ये नीला और जो लाल तार हैं ये हमारा कार्बन कैंची पे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, और एक हमारा कार्बन कैंची पे जा रहा है। तो ये देखें दोनों तार हैं, दो तार आते हैं, एक कार्बन कैंची से आता है और एक ऊपर से आता है, जिस पे कि एक हमारा लोड मेन लाइट लगती है, और ये दूसरे पे हमारा जो कार्बन कैंची से डायरेक्ट ऊपर जाता है उस पे भी मेन लाइन लगती है, ठीक है ना। तो ये दोनों तार हम नीचे से आपस में शॉर्ट कर देंगे, मतलब यहाँ डायोड प्लेट से खोल के और आपस में शॉर्ट करके ऊपर चेक करेंगे कि हमारा करंट आ रहा है या मतलब हमारा नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये डायोड प्लेट ख़राब होती है, हम चेक नहीं कर पाते और हमारी फील्ड की वजह से नहीं देख पाते, ध्यान नहीं दे पाते, तो दोनों तार आपस में शॉर्ट करके ऊपर से हम डायोड से चेक कर सकते हैं कि हमारे जो ऊपर की लाइन है, क्योंकि हमारी ये बाईपास हो जाती है, मतलब एक तरह से डायरेक्ट हो जाती है हमारा बारीक तार, और आर्मेचर के करंट निकालने के लिए हमें आसानी रहती है। इसके बाद आपको लगता है कि अब ये इतना करंट निकल जाए तो आपको वीडियो में अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ये तार